पूरी दुनिया भर में ट्रैफिक की समस्या एक आम बात हो गई है, जिसका समाधान निकालना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर काफ़ी चिंता में हैं और ट्रांसपोर्टेशन की समस्या का समाधान निकालने में जुटे हुए हैं। आज की तेज गति से बढ़ती हुई पॉपुलेशन और समय की बढ़ती डिमांड को देखते हुए लगता है कि बहुत जल्दी अगर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। पर दोस्तों, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिससे हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इसी समस्या को देखते हुए एक अमेरिकन कंपनी हाइपरलूप वन ने भविष्य के यातायात के लिए एक ऐसा मॉडल पेश किया है जो कि भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में क्रांति ला देगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है हाइपरलूप कंपनी के इस फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को देखकर, जिसे हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में एक स्टील की बेलनाकार मोटी ट्यूब होती है जो कि एक वैक्यूम यानी बिना हवा वाली ट्यूब होती है, जिसके अंदर एक कैप्सूल फिक्स होता है जिसमें कि पैसेंजर्स के लिए बैठने की जगह होती है और यह कैप्सूल ट्यूब के सेंटर में फिक्स रहता है जो कि ट्यूब को कहीं से भी टच नहीं करता। इस कैप्सूल को हवा में ट्रेवल करवाने के लिए सबसे पहले इसे एक मैग्नेटिक पोर्ड पर रखा जाता है, फिर इसमें एयर प्रेशर जनरेट करके इसे आगे की तरफ मूव कराया जाता है। इस कैप्सूल के अंदर एक एयर कंप्रेसर मोटर लगा होगा जो कि एयर को स्टोर करके इसे पीछे की तरफ तेजी से निकालेगा, जिससे यह कैप्सूल तेजी से आगे की तरफ एक्सीलरेट होगा और बहुत तेजी से आगे मूव करेगा। दोस्तों, आप इसकी स्पीड के बारे में जानकर जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि शायद अभी तक आपको बुलेट ट्रेन की स्पीड भी नहीं पता होगी जो कि 320 किलोमीटर पर आवर होती है। पर यह भी इसकी स्पीड का अंदाजा लगाने के लिए काफी नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होगी, जो कि एक पैसेंजर एरोप्लेन की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा है। वैसे एक पैसेंजर एरोप्लेन की नॉर्मल स्पीड 800 से 900 किलोमीटर पर आवर होती है, जो कि आपको दिल्ली से मुंबई करीब 2 घंटे में पहुंचाता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप दिल्ली से मुंबई तक का सफर महज 1 घंटे में ही तय कर पाएंगे, वो भी जमीन के रास्ते। सुपरसोनिक हाई स्पीड के साथ साथ यह ट्रेन और भी कई खूबियों से लैस है। यह ट्रेन पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जिसे चलाने के लिए किसी पेट्रोल, डीजल या किसी अन्य फ्यूल की आवश्यकता भी नहीं होगी। यह एक इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी जिससे कि बैटरी की मदद से चलाया जाएगा और मैग्नेटिक पोर्ट पर चलने के लिए इसे ज्यादा पावर कंजप्शन की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसे चलाने के लिए किसी भारी इलेक्ट्रिक सप्लाई की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसकी बैटरीज को चार्ज करने के लिए इस पूरे सिस्टम यानी स्टील ट्यूब के ऊपर सोलर पैनल लगे होंगे जो कि बैटरीज को चार्ज करेंगे और साथ ही पूरे सिस्टम को भी सप्लाई देंगे। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ना ही कोई नॉइस पोल्यूशन होगा, ना ही कोई एयर पोल्यूशन। दोस्तों, ये पूरा आइडिया 2012 में SpaceX के CEO इलोन मस्क को आया था, पर वह उस समय रॉकेट्स और स्पेस शटल्स बनाने में बिजी थे। लेकिन उन्होंने इस आइडिया पर काम करने के लिए दूसरी फर्म्स को इनवाइट किया और 2014 में ये हाइपरलूप नाम की फर्म रेडी की और बाद में अन्य कंपनियों को उसमें इन्वेस्टमेंट और रिसर्च के लिए इनवाइट भी किया। शुरू में तो ये आइडिया केवल पेपर पर ही था, पर थोड़ी गहरी रिसर्च के बाद इसके ऊपर 2016 में एक टेस्टिंग की गई और मेवाड़ डेजर्ट में इसका 3 किलोमीटर लंबा प्रोटोटाइप बनाकर इसे प्रैक्टिकली प्रूव करके भी देखा गया और ये सारे टेस्ट काफी पॉजिटिव थे। और इसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी दुनिया भर में से 5 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। और इसके साथ ही इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो ये अब तक की ग्राउंड की सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ एनर्जी इफिशियंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। लेकिन इसी के साथ ही एक ट्यूब में इतनी स्पीड से ट्रेवल करना काफी डरावना और चैलेंजिंग एक्सपीरियंस भी होगा। बात करें जी फोर्स की, तो जब कभी भी एक्सीलरेशन में ज्यादा फर्क आता है तो वहाँ जी फोर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसे में कई बार एरोप्लेन में लोग बेहोश भी हो जाते हैं और उनके कान में दर्द भी होने लगता है। वहीं इतनी स्पीड से ट्रेवल करते हुए इस कैप्सूल को रोकना भी काफी मुश्किल भरा हो सकता है। इसके लिए भी किसी खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा जो बिना किसी रिस्क के सेफली इसे धीरे करके आराम से रोक पाए। वैसे तो इसमें दुर्घटना की कोई संभावना ही नहीं है, पर इतनी तेजी से ट्रेवल करते हुए अगर कोई दुर्घटना होती है तो शायद ही कोई बच पाएगा। पर दोस्तों, आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर कंपनी ने सारे पहलुओं पर अच्छे से नजर रखते हुए एक सेफ और स्मार्ट तकनीक पूरी दुनिया के सामने रखी है जो कि भविष्य में हमारा कीमती समय बचाकर हमें बहुत सुरक्षित और आसानी से हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई में पूरी दुनिया के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी होगी और आप इसके बारे में कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।